स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। बेंगलुरु पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, कल एरो इंडिया शो में करेंगे शिरकत। बेंगलुरु में 3 से 5 फरवरी तक एरो इंडिया का आयोजन, वायुसेना ने कसी कमर, किया अभ्यास। एरो इंडिया में सूर्य किरण विमान और सारंग हेलीकॉप्टर बने खास आकर्षण, पहली बार सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण विमानों ने साथ किया अभ्यास। अभ्यास के दौरान आसमान में सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण विमानों ने बनाए तरह तरह के फॉर्मेशन। किसान आंदोलन का नया केंद्र बना गाजीपुर बॉर्डर, राकेश टिकैत की अगुवाई में बड़ी प्रदर्शनकारियों की संख्या। किसानों का 6 फरवरी को देश में चक्का जाम का ऐलान, 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे का चक्का जाम, सुरक्षा इंतजाम सख्त। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई सरहद जैसी बाड़, हर तरफ से की बैरिकेडिंग। दिल्ली में किसानों की एंट्री को रोकने के लिए पुलिस ने कसी कमर, गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती। गाजीपुर बॉर्डर पर वाटर कैनन भी मौजूद, वाहनों पर चढ़कर निगरानी करती दिखी पुलिस। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में गाजीपुर बॉर्डर पर जंग जैसी दिखी तस्वीर, भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती, 3 लेयर में तैनात है सुरक्षाकर्मी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और सड़क पर गुजारी ठंड भरी रात, शिवसेना नेता संजय राउत भी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। सुबह चाय नाश्ते के साथ किसानों ने फिर संभाला आंदोलन का मोर्चा, लाल बहादुर शास्त्री और महेंद्र सिंह टिकैत की तस्वीर रखकर की पूजा। लेकिन सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान, लगातार बढ़ रही संख्या। बॉर्डर पर पुलिस ने सड़क पर ठोकी कीले, सीमेंट के बैरिकेड से की घेराबंदी। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ किसान करेंगे चक्का जाम, पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे लोगों को कानूनी मदद देने का भी ऐलान। आंदोलनकारियों की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर किया गया है जारी, 26 जनवरी के प्रोटेस्ट के बाद गायब लोगों को मदद करना भी मकसद। किसान आंदोलन से निपटने के लिए सख्ती, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर आज शाम 5 बजे तक पाबंदी। कैथल पानीपत जींद रोहतक में नेट रहेगा बंद, चरखी दादरी सोनीपत और झज्जर में भी रोक। वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद, एक साथ सैकड़ों की तादाद में एसएमएस भेजना नहीं होगा मुमकिन। किसान नेता दर्शनपाल का बयान, 3 मुद्दों पर चक्का जाम, सरकार की दमनकारी नीति, कृषि बिल और बजट में किसानों की उपेक्षा है मुद्दा। किसानों के जो बजट एलोकेशन थी वो पहले से बहुत कम कर दी गई है, इसको किसान विरोधी बजट और कॉरपोरेट के पक्ष का बजट, पर 3 इशू को लेकर। किसान नेता गुरनाम सिंह का बयान, किसान आंदोलन जहां था वहीं है, अमानवीय हो गई है सरकार, अभी तक कोई भी बात नहीं मानी। बलवार से वार के लिए दिल्ली पुलिस ने की स्पेशल तैयारी, कवच और रॉड से लैस हुए जवान। राहुल गांधी ने ट्वीट की किसान आंदोलन को लेकर सुरक्षा इंतजामों की तस्वीर, लेकर सरकार को बनाना चाहिए पुल, नहीं खड़ी करे दीवार। देश में कोरोना पर अंकुश की ओर बढ़ाया कदम, पिछले 24 घंटे में महज 8,635 नए कोरोना केस, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी। कोरोना से 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 100 से नीचे आया, पिछले 24 घंटे में देश भर में 94 लोगों की कोरोना से मौत। 24 घंटे में 13,423 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, अस्पताल से किए गए डिस्चार्ज। देश में अभी 1,63,353 कोरोना के एक्टिव केस, देश में अब तक 39,50,156 लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव, लोकसभा में बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी रखेंगी प्रस्ताव। के दोनों सदनों में विपक्ष ने आज किसान आंदोलन पर चर्चा का दिया प्रस्ताव, किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष, कहा वापस होना चाहिए काला कृषि कानून। राज्यसभा में किसान आंदोलन पर बहस को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, तीसरी बार 12:30 बजे तक कार्यवाही स्थगित।
राज्यसभा में कांग्रेस ने दिया है कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस। लोकसभा की रणनीति पर दोपहर 3 बजे संसदीय दल की बैठक। राज्यसभा में डीएमके और टीएमसी ने भी किया कार्यस्थगन प्रस्ताव नोटिस। सरकार के लिए मुश्किल बन सकती विपक्ष की एकजुट ताकत। जनवरी को लाल किले में हुए उपद्रव की जांच तेज। जवानों पर हमला करने वाला पंजाब से गिरफ्तार। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव के केस में अब तक 44 लोगों पर एफआईआर, 128 गिरफ्तार। बुलंदशहर में किसान आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा में लगे 2 जवानों की हादसे में मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शहर में ट्रक और कैंटर की हुई टक्कर, बेकाबू कैंटर ने बैरिकेड तोड़ते हुए पीएसी के 4 जवानों को कुचला। बजट से अंबाला में पूर्व सैनिक और किसान नाराज, महंगी खाद और पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस का उठाया मुद्दा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की सभी मंत्रियों के साथ बैठक, पेपरलेस कैबिनेट और पेपरलेस गवर्नेंस पर ट्रेनिंग। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया समर्पण निधि अभियान। सबसे पहले एक सब्जी के ठेले वाले से लिया 10 रुपए का दान। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का विवादित बयान, कहा सुबह राम मंदिर के लिए चंदा जुटाकर शाम को दारू पी जाते हैं बीजेपी के नेता। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने दी धमकी, हिंदू समाज का अपमान करने वाले यलगार परिषद के नेताओं पर 48 घंटे में कार्रवाई करे उधर सरकार, नहीं तो बड़े प्रदर्शन को रहे तैयार। 24 परगना के बरुईपुर में बीजेपी रैली, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय रहेंगे मौजूद। दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास धमाके के मामले में मिले अहम सुराग, सीसीटीवी से मिला क्लू। इजराइल की एजेंसियों ने भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी कुछ जानकारी, 12 लोगों से हो चुकी है पूछताछ। कई लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया, कुछ संदिग्धों से हो रहे हैं सवाल। दिल्ली के ओखला में एचडीएफसी बैंक का एटीएम चोरों ने काटा, 17 लाख की नकदी लेकर फरार। सीसीटीवी कैमरे पर बदमाशों ने डाला काला स्प्रे, नहीं कैद हो पाई तस्वीरें। केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया तंज, कहा बेरोजगार दरअसल कांग्रेस के वो नेता हैं जो चुनाव हार गए। स्मृति का आरोप, डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम से परेशान है कांग्रेस क्योंकि सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल की तरह कट मनी नेताओं के खाते में जाती है। आज करीब 1000 अंक की बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स, 49,580 तक पहुंचा। में भी सुबह 356 अंकों की उछाल, 14,634 तक पहुंचा निफ्टी। बेंगलुरु में पुलिस ने एक लड़की पर हमले के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों में लड़की का पूर्व प्रेमी भी शामिल। केवल में बेटी पैदा होने पर महिला और बच्ची को अस्पताल में छोड़कर फरार हुए ससुराल वाले, पुलिस ने दर्ज किया केस। में नकली नोट और विदेशी मुद्रा के मामले में पुलिस और एटीएस की छापेमारी, संदिग्ध वस्तु की आशंका पर बम निरोधक दस्ता भी बुलाया गया। अमृतसर में चोरों ने एक ही रात में 5 दुकानों में की चोरी, तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में सैनिटाइजर से भरे गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। ग्वालियर में 2 फर्जी बैंक का खुलासा, प्रशासन ने जड़ा ताला, जब्त किए गए दस्तावेज। बाद में अपहरणकर्ता से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल अपहरणकर्ता गिरफ्तार, अगवा 2 बच्चों को छुड़ाया गया। यूपी के संत कबीर नगर में 45 साल की महिला का अर्धनग शव मिला, रविवार से थी लापता। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया, सरपंच को धमकी देने से जुड़े केस में एक्शन। अलवर में हत्या के केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंधों के जाल में वारदात को दिया था अंजाम।
केरल के मलप्पुरम में पलटा ट्रक, हादसे में दो लोगों की मौत। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 5-5 किलो के दो आईडी बम बरामद। सुरक्षा बल के जवानों ने बमों को किया डिफ्यूज, सुकमा के दौरे पर है छत्तीसगढ़ के सीएम। नांदेड़ में दिन दहाड़े लूटपाट से सनसनी, वारदात सीसीटीवी में कैद। मेरठ में जालसाज ने फूड इंस्पेक्टर से ठगे 11 लाख रुपए, प्लॉट दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। जय में नकली नोटों की तस्करी के शक में होटल पर छापा, चार युवकों से पूछताछ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।